सह वीर कर्वावहै तेजस्वेनावधीतमस्तो मिषावहै ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः देववाणी संस्कृतम् YouTube चलक प्रति भावताम भावती नामचा स्वागतम मित्रो अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावर्ते तृतीय अध्याय प्रथम पाता लाइव कक्षा संख्या द्वादशी बारहवीं कक्षा को आज हम पढ़ेंगे ग्यारह कक्षाएं इस अध्याय की दी हैं आज बारहवीं कक्षा पढ़ेंगे अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें अभी तक पढ़ाई गई सभी कक्षाओं के लिंक यदि आपको निशुल्क प्राप्त करने हैं तो आप इस पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिएगा मित्रों पुस्तक को खोल लीजिएगा गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था उनचालीसवा सूत्र आपको पढ़ा दिया था मैंने आम प्रत्यय संबंधी जो प्रकरण था वो पूरा कंप्लीट करा दिया था भी ह्री भ्रु भ्री वाम श्रुवच्च ठीक है ये पूरा हमने कंप्लीट आपको करा दिया अब इसके आगे का हमारा जो सूत्र है वह है आम प्रकरण तो समाप्त तो हो गया था आम प्रत्यय का सूत्र है लिटी तीन चार आ, तीन एक चालीस तीसरे अध्याय के प्रथम पाठ का चालीसवां सूत्र आइएगा पदच्छेद विभक्ति ही क्रिया प्रथमा विभक्ति एक वचना चव्यपदुप्रयुज्य क्रिया पद तिंग है माने ये लटलकार के, लट के प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है लिटी सप्तमी व्यक्ति ही एक वचना अनु प्रयुज्यते इतरा पश्चात अर्थे अनु जो अनुप्रयुज्यते ये पद है इसमें जो अनु है उपसर्ग वो क्या है पश्चात के अर्थ में प्रयोग किया गया है मानी पीछे के अर्थ में ठीक है इसमें ऊपर से आम की अनुवृत्ति आती है धातोह की अनुवृत्ति आती है प्रत्यय की अनुवृत्ति आती है परश की अनुवृत्ति आती है ठीक है आइएगा गुरुजी ने इसका जो अर्थ किया है अर्थ देखते हैं अर्थ आम प्रत्यय पश्चात क्रिया लिटी परता हा। कहते हैं जो आम प्रत्यय मान आम प्रत्यय आ गया है ठीक है तो आम प्रत्यंत जो शब्द रूप है शब्द है उससे लिट के परे रहते बाद में लिट परे हो तो क्या हो जाता है क्रिय का अनुप्रयोग होता है माने आम प्रत्यय के पश्चात और लिट के पूर्व में क्रिय माने बीच में क्रिय का प्रयोग होता है ये क्रिय क्या है क्रिया एक धातु है डुक्रिय कर्ण पर वो धातु नहीं ली गई यहां पर कहते हैं क्रिय इत्यनेन प्रत्याहार ग्रहण ये जो क्रिय है ये वस्तुतः प्रत्याहार है, है? जैसे अण प्रत्याहार है ऐसा अण प्रत्याहार से क्या होता है आय उण ऊ वर्णों का ज्ञान होता है ऐसे क्रिया क्रिय प्रत्याहार है कैसे क्या प्रत्याहार है संपद्य कर्तरी छुवी ये सूत्र है पांच चार पचास में दिखा दूंगा अभी प्रारब्ध प्रभत आक्रियों द्वितीय तृतीय इत्यादि यहां से इसमें से यकार ले लिया है अब तो आपको दिखाता हूं कैसे प्रत्यार बनाया सूत्र में देख लीजिएगा ये है आपका पांचवें अध्याय का चौथे पाद का पचासवा सूत्र ठीक है जी पचासवा सूत्र यहाँ यह योगे संपद्य कर्तरी चुहे ठीक है इसमें से क्या लिया क्री ले लिया यहाँ आदि में से क्री ले लिया ठीक है और इसके आगे एक सूत्र है यहाँ पर अठावनवा सूत्र ये है क्रियो द्वितीय तृतीय शम बीजात कृषम इसमें से ये ले लिया, ठीक है क्या ले लिया ले लिया। अब इस सूत्र में भू अस ऐसा तीन धातु है इसमें ठीक है यहां से मैंने यहां से लेकर के यहां तक यहां तक तीन धातु का प्रयोग हुआ है इन सूत्रों में तो क्रिय का अर्थ क्या हो गया क्री भू अस ये तीन धातु हो गई क्रिय का क्रिय का क्री का, क्री धातु प्रयोग नहीं है क्रिय का अर्थ हो, क्रिय प्रत्यार के अंतर्गत कौन कौन सी धातु आ रही है यहां पर क्री और भू और अस ठीक है इसी बात को यहां पर ये गुरुजी ने बताया था देख लीजिएगा ठीक या कार्थ यह या हिंदी में इसको बता देंगे ठीक है क्रिय से एक क्रिय प्रत्यार लिया गया है कृप वस्तु गए संपत्ति कर्तर चुही के क्री से लेकर के क्रियो द्वितीय तृतीय शम कृषव के येकार पर्यंत क्री भू अस तीन धातुओं का इससे ग्रहण होता है तो इसका मतलब है आम प्रत्यांत शब्द से इन तीन धातुओं का अनुप्रयोग होता है पीछे प्रयोग होता है लिटके पर रहते क्री भू अस क्रम से होती है मैं ठीक है एक बार क्री का एक बार भू का एक बार अस का हो गया, क्यों गया? इसके उदाहरण यहां पर दिए हैं आपको चकार पाठयाम बुब पाठया इसके उदाहरण दिए हैं ठीक है जी तो ये पाठयाम और पाठयाम पाठयाम ये तो आम प्रत्या शब्द हो गया उसके बाद में लिटके पर रहते क्रिय भू का प्रयोग है तो ये क्रिय का रूप है ये भू का रूप है और ये आ, का रूप है ठीक है अब देखिएगा अभी सिद्धि करेंगे सिद्धि करने से पहले यहां पर एक गुरुजी ने बात लिखी है उसको देख लेते हैं गुरुजी ने यहां पर लिखा कि ऊपर से ही यहां लिट्टी की अनुवृत्ति आ सकती थी अर्थात इस सूत्र में चांद प्रयुज्यते लिट्टी में जो लिट्टी पड़ा है वो बेकार है क्योंकि लिट्टी तो ऊपर ही से आ रहा था काश प्रत्यय दाम मंत्र लिटी पुनः यहाँ जो लिटी ग्रहण किया है उसका यह प्रयोजन है कि आम के लिट का लुक करने के पश्चात भू अस का अनुप्रयोग करने पर उस लिट की पुनरुत्पत्ति हो जावे इस सूत्र में अर्थात इसमें क्रिंचान लिट्टी में जो लिटी पड़ा है महर्षि पाणिनि ने पुनः उसका प्रयोजन है उसका प्रयोजन है कि जो आम प्रत्यय से उत्तर जो लिट का आमह हाँ से लुक करते हैं हम इससे दो चार इक्यासी से फिर हम क्रिया मान क्री भू आयास का किसी का अनुप्रयोग करते हैं हम शब्द से तो उसके बाद में जो लिट है लिट जो लुक हुआ था वो लुक अनुप्रयोग होने पर फिर दोबारा से लिट आ जाए इसलिए महर्षि पांडी ने इसमें लिट पढ़ दिया कि लिट आ जाता है तो बाद में लिट इसी सूत्र से हो जाता है ठीक है पुनरुत्पत्ति तो हो जाती है फिर अब इसमें परोक्ष नहीं लगाना पड़ता लिट लाने के लिए इसी सूत्र से अनुपयोग में इसी सूत्र से लिट आ जाता है ये इसका प्रयोजन आचार्यों ने आ बताया है। ठीक है अब आ जाइएगा अब देखते हैं सिद्धि इसकी सिद्धि इसकी दिया पाथयान चकार। पाथयान चकार पहले देख लेते हैं मैंने समझा दिया आपको और विशेष कुछ अभी बताऊंगा मैं परिशिष्ट है परिशिष्ट को खोल लीजिएगा चकार मन उसने पढ़ाया ठीक है पट धातु है भूवादयो धातवा और उपदेश इत, इत संज्ञा हुआ तस् लोपाह दर्शनम लोप हेतु तुम्ती चेतु मत्ती चा।, चा से क्या हो गया माने क्रिया को किसी से करवाने में क्या हो जाता है ऋच प्रत्यय होता है इणिच प्रत्यय होगा प्रत्यय परश्च लग करके पठ इणिच इणिच का इत संज्ञा हो जाएगी इनकी टुटू और हलंतम तस्लोपा दर्शनम लोपा ई बचा अब पठ ई बचा अत उपधाया क्या है आता उपधाया ये क्या हुआ धनाद्यंता धातव आता उपधाया से यहाँ पर पटको पाठ वृद्धि हो गई है ठीक है तो पाठी बन गया और सनातनता धातु से धातु संज्ञा हो गई इसकी अब धातु हो धातु के अधिकार में परोक्षे लिट से लिट आ गया प्रत्यय परश ठीक है पाठी लिट ये हो गया पाठी लिट हो गया काश प्रत्यया दाम मंत्री लिटी काश प्रत्यया दाम मंत्री लिटी हमने जो पढ़ा था अब पाठी प्रत्यय धातु से लिट के परे रहते आम प्रत्यय हो गया पाठी आम ला इत संज्ञा हो जाती है इनकी अब यहां पर क्या है यहां पर ये यह सूत्र हमें आज पढ़ने नहीं पाठी आम ला प्रणेर निटी छठ में अध्याय के चौथे पाद का इक्यावनवा सूत्र है प्रणेर निटी प्रणेर कहता है कि अनिट आदि माने जिस आर्ध धातु प्रत्यय के पूर्व में इट नहीं है ऐसे अनिडादि पर्यटक इणी का लोप हो जाता है क्या हो जाता है इणी का लोप आम प्रत्यय धातु का और इसको इट नहीं हुआ इट हो ही नहीं सकता तो अनिडादि धातु के पर्यत आम के इसको इणी का से लोप प्राप्त हुआ परंतु तो इसी का अपवाद एक सूत्र है निशे अपवाद सूत्र है ठीक है ये कहता है कि यहां पर इसको आदेश हो जाता है ऋणी का लोप नहीं होता है यदि आम प्रत्यय परे है तो आम और कुछ कुछ प्रत्यय इन प्रत्ययों के पर रहते का लोप नहीं होता इससे क्या हो जाता है आदेश हो जाता है तो इणी का लोप को बात करके इणी के आदेश हो गया तो क्या बनेगा पाठ या आम ला ऐसा बन गया ठीक है ध्यान दीजिएगा अब आइएगा आगे मैं इस सूत्रों का अर्थ बता देता हूं पहले आपको ये दो सूत्र है आप छठ में अध्याय में देख लीजिएगा अपनी पुस्तक में अनिडादी धातु के पर्तेणी का लोप हो जाता है।, एनी माने एनी एनी है जो भी उनका लोप हो जाता है आम आर्धातुक है अनिडादि है तो लोप प्राप्त होता है उसी का ये अपवाद है नीचे वाला सूत्र ठीक है आयामंतालवायेतनु विश्वत्म विश्वशु ठीक है <coughs> ये क्या कहता है ये कहता है अर्थ आम अंत आलू आय इतनु विष्णु इत्तेतेषु परताणे रयादेशो भवतिणेह अयादेशो भवती माने आम और अंत और आलू और आय और इतनु और विष्णु इनके परे रहते क्या है इनके परे रहते को आदेश होता है क्या होता है आदेश तो आदेश हो जाता है तो आदेश हो गया था ये इसका सूत्र का अर्थ है अब आइएगा ये हो गया अब कहते गुरु जी यहाँ पर पाठयाम ऐसा बन गया अब यहाँ क्या होगा पाठयाम और आम से लकार लिटके लकार का लोप हो जाए लुक हो जाएगा तो पाठयाम बन गया यहां केवल विशेष यह कि पठधधातु परस्मय पदीय अतः क्रिय का अनुप्रयोग भी परस्मय पद में होगा अब ये पाठयाम पाठ पाठयाम ये पाठयाम या, है अब प्रत्यान शब्द से क्या हो जाता है क्रिय प्रत्यार का प्रयोग होता है धातु ले रहे हैं उसमें से प्रत्यार में से क्रिय का अनुप्रयोग किया आमने क्रिय का अनुप्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा ये ऐसा बन जाएगा पा यहां देखते हैं पा धातु का अनुप्रयोग कर लिया हमने ठीक है लेटी और लेट भी आ गया ठीक है लेट आ गया आदि हो जाए त्य उत्पत्ति करके अणल आ जाएगा ठीक है परस्मय पदा नाम अणल आतुस यहां पर जो परस्मय पद हुआ है वो शेषात कर्तरी परस्मय पदम से हुआ है ठीक है क्योंकि ये क्रिय धातु का अनुप्रयोग से पहले जो आम प्रत्यय आया आम प्रत्यय से आने से पहले जो धातु है वो कैसे परस्मयपदी इससे आत्मनिपद नहीं होगा आम प्रत्यय आने से पहले जो धातु आत्मनिपदी होती है उससे तो आत्मने का प्रयोग होता है अनुप्रयोग का परंतु जो परस्मय पदी होती है उससे शेषात्कर्तरी परस्मय पदम से परस्मय पद होता है तो पदी है इसलिए यहां पर जो हमने आपको ये सूत्र पढ़ाया था आम फिर एक बार देख लेते हैं इसको आ जाइएगा ये ये हमने प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में पढ़ाया था आपको आम प्रत्यवत प्रयोगस्य क्या था इसका अर्थ आम प्रत्यय से धातो अनुप्रयोगस्य से क्रिया आत्मने पदम भवती कि आम प्रत्यय के समान ही मैंने आम प्रत्यंत जो धातु है आम प्रत्यय आने से पहले जैसी धातु थी वैसे ही अनुप्रयोगस्य क्रिया ये क्रिया धातु ध्यान रखेंगे ये प्रत्यार नहीं था ये क्रिया धातु थी इसमें हमने पहले ही पढ़ाया था तो जो क्रिया है उसका आत्मने पदम बहुत आत्मने पद होता है परंतु यहाँ तो पट धातु तो कैसी आम प्रत्यय आने से पहले परसमयपद ही है तो इसलिए ये वाला सूत्र वहां नहीं लगेगा भू और अस का जो अनुप्रयोग होगा वो हमेशा परस्मयपद ही होगा ध्यान रखेंगे कर्तृवाच्य में भू अस का जो अनुप्रयोग होगा वो हमेशा परस्मयपद ही होगा क्योंकि भू और असमे ये नहीं लगता ये तो केवल क्री धातु में लगता है बस ये ध्यान रखेंगे ठीक है तो ये हो गया हमारा तो ये पाठ चकार हमने पिछली कक्षा में भी बनाया था तो पाठयन चकार बन जाएगा तो दुआ आदि होकर के सब कुछ ठीक है अब यहां पर है ये चकार बन गया अब प्रकृत सूत्र से भू का अनुप्रयोग करने पर भू के अभ्यास को भवते रहा से अत्व तथा अभ्यास से जशत्व होकर पाठ बना अब हमारी स्थिति क्या हो जाएगी पा, भू भूकान अनुप्रयोग हो गया और लिट आ गया ठीक है लिटा और इसको इसको तो शेषातरी प्रथम पदम से प्रथम पद हो जाएगा आ जाएगा ये ठीक है अब बचेगा आपका ये हुआ और ये ये हो गया आ तो हमारा कुल मिलाकर के क्या हुआ अब इसको दी हो जाएगा ठीक है तो क्या हो जाएगा भू भू यहां ये यह हमने बबूब की सिद्धि आपको पहले भी कराई थी क्या बबूब की सिद्धि इंदी भवती च ये क्या है इंधी भवती भ्याम ये क्या हो जाता है ये कितवत हो जाता है ये सूत्र संख्या आपकी एक दो इंधि भवतीभ्याम चू धातु से उत्तर लिट कैसा हो जाता है आपका अपित लिट कितवत हो जाता है

ये हो गया आपका भव तेरा भव तेरा मन भू धातु के अभ्यास के उकार को आकार हो जाता है तो इसको आकार हो गया क्या हो गया आकार तो हमारी स्थिति क्या बनी जी बोलो अपनी कॉपी पर आप लिखते जाइएगा ये बना भा और भू वा और आ। अब अभ्यास चर्च से इसको जशक्त होकर के क्या होना बा बूब पाठूब मौन अनुस्वार हो जाएगा वापद से विकल्प से परसवर्ण हो जाएगा तो पाठयाम बभूव ऐसे ही पाठ चकार बन गया था ठीक है यहां पर भी मौनस्वरा अनुस्वार से वो वापदांत से विकल्प से परसवर्ण हो जाता है अब है आपका अस धातु का अनुप्रयोग करने पर जब आप अस का अनुप्रयोग करेंगे क्या होगा अस का अनुप्रयोग करने पर अस अस ऐसा दु होगा ठीक है पूर्व आदि आलादिशा से हट जाएगा अ बचेगा अत आ दे ये पहले भी लगाया था अभ्यास में आदि जो आ है उसको क्या हो जाता है दीर्घ हो जाता है दीर्घ हो जाएगा इसको दे दीर्घ आ बन जाएगा अभ्यास को दीर्घ आ हो गया और ये अस का आ है अस और ये अनल का आ है ठीक है ऐसा हुआ यहां पर यहां पर अब इसको अत उपदाया से वृद्धि भी हो जाएगी ये अणित है तो होने से इसको अतधाया से वृद्धि हो जाएगी ठीक है वृद्धि हो गई और ने दीर्घ लग गया यहाँ पर तो क्या हो जाएगा आस और फिर पाठयाम मिला देंगे तो पाठयाम मास बन जाएगा लिखिएगा कॉपी पर सूत्र मैंने आपको बता देता हूँ एक तो अत लग गया और उपधाया से वृद्धि भी हो जाती है इसमें ठीक है और सबण दीर्घ हो जाएगा का सबण दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा तो ये बन गया पाठ या, या मौसम अब यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है क्या एक बात अभी आपके ध्यान में नहीं गई होगी हमने एक सूत्र पढ़ा था क्या पढ़ा था जी एक सूत्र पढ़ा था हमने अस्तेर भू क्या पढ़ाता जी बोलो अस्तेर भू ये संख्या बता देता हूं दूसरे अध्याय के चौथे पाद में बावनवा सूत्र था दो चार फिफ्टी टू ठीक है ये क्या कहता ये क्या कहता था कि अस धातु को आर्ध धातु प्रत्यय के परे रहते भू आदेश हो जाता है ये यही कहता था इसको समझ लीजिएगा ये कहता था कि अस धातु के बाद में यदि विशेष सप्तमी में यदि धातु प्रत्यय आने वाला है तो अस को भू आदेश कर देना चाहिए हो जाता है अब यहां पर जब हमने ऐसा बनाया पाठयाम और ये अस्था और यहां लिट आ गया था क्रिंचन प्रज्टी से लिट आ गया था लिट कैसा है आर धातुक लिटच आर धातुक है ये आर धातुक आर अब इसके पर्वत इसको भू होना चाहिए भू होना चाहिए भू हो जाएगा तो अस का तो रूप बनेगा ही नहीं रूप बने थी अब उस इसका यहां पर शंका होती है कि यहां भू को अस को भू क्यों नहीं हुआ अस को भू क्यों नहीं हुआ उत्तर तो देना पड़ेगा तो इसका उत्तर दिया है काशिकाकार ने काशिका की पंक्तियों को देख लेते हैं इस सूत्र पर आपको समझ में आ जाएगा देखिएगा ये काशिका इस सूत्र की है काशिका प्रंचानु प्रयुजते लिटी आम प्रत्यय से पश्चात क्रिया अनुप्रयुजते लिटी पड़ता है यह अर्थ हो गया कहते क्रिय इति प्रत्याहार प्रत्याहारेण त्रिभ्वस्तो गृह्यंते भूभाव क्रिय से प्रत्याहार का ग्रहण है उस प्रत्याहार से क्री भू अस्तीन धातुओं का ग्रहण है सामर्थ्यात उस ग्रहण सामर्थ्य से अस धातु को भू आदेश नहीं होता है यदि अस को यहां पर भी भू आदेश हो जाएगा तो प्रत्याहार ग्रहण करने का लाभ क्या हुआ प्रत्याहार बनाया है, हमने क्रिया उसका लाभ क्या हुआ तो प्रत्याहार ग्रहण सामर्थ्य से ही क्या है यहां पर अस धातु को जब अनुप्रयोग में होगी तब उसको भू आदेश नहीं होगा और जब अनुप्रयोग में नहीं होगी अकेली होगी तब उसको भू आदेश हो जाएगा ये ध्यान रखेंगे ठीक तो इसलिए यहां पर नहीं होता है ये उदाहरण पाठया पा, ये पाठया मासु बन जाता है या हिंदी में मैं आपको पढ़ के बता देता हूं जो मैंने समझा दी है ठीक है <coughs> क्रिया एक प्रत्याहार है यह गए संपद्य कर्तरी चुहि एक क्रिय से लेकर के क्रियो द्वितीय तृतीय शम बीजात कृषौ के तक ग्रहण किया जाता है के द्वारा क्री भू अस इनका ग्रहण होता है तथा वशात अस के स्थान में भू आदेश भी नहीं होता है चलिएगा तो ये हमारा सूत्र कंप्लीट हो गया है मित्रों अब क्या करना है आज की कक्षा में केवल यही सूत्र पढ़ाऊंगा मैं इसकी सिद्धियां करनी है आपको ये तीनों सिद्धियां करनी है ठीक है इनमें इसमें भी परस्मय पद शेषात करतरी परस्मय पदम से परस्मय पद हो जाएगा इसमें भी हो जाएगा इसमें भी हो जाएगा सब जगह हो जाएगा क्लियर हो गया चलिएगा सिद्धियाँ करिएगा नोट्स के नोट्स बनाइएगा ठीक है और यदि आप बनाते हैं नोट्स तो मैं व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं तो ये हो गया आपका ये अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे हम वेदां हाँ ये विदान कुरतर श्याम ठीक है चलिएगा ये आज की कक्षा इतनी छोटी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है सर्वेभ्यो नमः